उसके हिसाब से जो सबसे बढ़िया अचीवर माना जाता था, जो विपस्सना साधना में सबसे ज्यादा मदद करता था, वो था पंसुकूल चीवर। पंसुकूल क्या होता था? पंसु माने होती है धूल या कूड़ा, और पंसु और कूल माने होता है ढेर, यानी कि कूड़े के ढेर पर जो कपड़ा होता है। गाथा कथा नंबर 93 या 93। ये जो गाथा और कथा है ये जैतवन की है और अनिरुद्ध थेर की है। अनिरुद्ध जो थे वो भगवान बुद्ध के कजिन थे, चचेरे भाई थे। उनका चीवर फट गया, पुराना हो गया, तो चीवर बनाने के कई सारे नियम बाद में भी आए हैं और उस समय भी उन्होंने जो नियम रखा उसके हिसाब से जो सबसे बढ़िया चीवर माना जाता था, जो विपस्सना साधना में सबसे ज्यादा मदद करता था, वो था पंसुकूल चीवर। पंसुकूल क्या होता था? पंसु माने होती है धूल या कूड़ा, और पंसु और कूल माने होता है ढेर, यानी कि कूड़े के ढेर पर जो कपड़ा होता है उस कपड़े को इकट्ठा कर फिर उसको हाथ से सिलकर जो उसकी चादर बनाई जाती है, चीवर बनाई जाती है, उसको पंसुकूल बोलते हैं। तो पंसुकूल जो चीवर होता है वो इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें कोई आकर्षण नहीं है, उसमें कोई लगाव नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है उससे, और वो एक से रंग का रंग जाता है, इसलिए रंग में भी कोई आसक्ति नहीं है। और रंग भी पेड़ की छाल का या पेड़ के फूल का या पेड़ की तने का या हरी पत्तियों का, ऐसे रंग होते थे ताकि वो रंग मिट्टी जैसे मिले हों, और सबका लगभग एक सा ही चीवर रंगने का भी तरीका बाद में डेवलप हुआ। आज भी कुछ भिक्कू हैं जो पुराने तरीके से चीवर को रंगते हैं और चीवर के नियम वही चलते हैं जो भगवान बुद्ध ने उस समय बताया, लंबाई चौड़ाई हाथ के हिसाब से। तो पंसुकूल चीवर के लिए जब वो वहां कूड़े के ढेर पर कपड़ा ढूंढ रहे हैं तो कुछ जो उपासक हैं, जो उपासिका हैं, जो जानकार लोग हैं, उन्हें पता है कि भिक्कू नया कपड़ा लेंगे नहीं और कूड़े पे ढेर पे कपड़ा लेंगे, तो वो जो कूड़े के लिए जो बेकार सा घर में कपड़ा होता था उसको कूड़े के ढेर पे फेंक देते थे। तो देखा कि अनिरुद्ध कपड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, तो कुछ ग्रस्त लोगों ने, उपासक उपासिकाओं ने, जो उनके घर में बेकार कपड़ा था वो कूड़े पे ढेर पे फेंक दिया, वहां से वो उठा के ले गए और उसका चीवर बना दिया। चीवर वो हाथ से सिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जितने भी उपासक और उपासिका हैं उनको ये पता है कि अब अनिरुद्ध अगले दिन पिंडचारिका के लिए और धम्मचारिका के लिए नहीं आएंगे क्योंकि चीवर को सिलने में बहुत टाइम लगेगा। छोटे 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 टुकड़े हैं और कोई मशीन तो है नहीं, हड्डी की सुई बनाई हुई है और जो धागा है उसी में से निकालते हैं या धागा काटते हैं और धागे को फिर उसको सिलते हैं, तो प्रोसीजर लंबा है, प्रक्रिया लंबी है, चीवर बनाने का लंबा समय लगता है। तो जब चीवर बनाएंगे तो वो फिर पिंडचारिका के लिए नहीं आएंगे, तो उनके उपासक और उपासिकाओं ने बिहार के अंदर ही खाना भिजवा दिया। खाना बहुत ज्यादा आ गया क्योंकि उपासक उपासिका ज्यादा थे, तो भिक्कुओं में ये चर्चा होने लगी कि देखो अनिरुद्ध भोजन के लिए कितने आसक्त हैं कि उन्होंने अपने उपासक उपासिकाओं को कह दिया होगा, ऐसी चर्चा चली, और उन्होंने इतना सारा खाना यहाँ भेज दिया कि खाना बच भी गया, खराब भी हो गया। खाना खराब होना या खाना बचना उस समय पाप कर्म माना जाता था। आज भी जो बुद्ध की फिलॉसफी को या बुद्ध के विचारों को मानते हैं वो खाने को बर्बाद नहीं करते, खाने को, अन्न को आज भी वो माथे से लगा लगाते हैं, उसको सम्मान देते हैं, पूजते हैं। पूजने का मतलब है मान सम्मान देना, उसकी मान्यता है, इसलिए इसको अन्न देवता भी बोलते हैं। ये पुरानी परंपरा रही है भगवान बुद्ध के समय के साथ में। तो वो जब खाने की कानाफूसी हुई तो भगवान के कानों में ये बात पड़ी कि ऐसे ऐसे अनिरुद्ध ने खाना मंगाया है, उन्होंने अनिरुद्ध से पूछा होगा, और उसके बाद ये जो गाथा कही है वो गाथा इस प्रकार है, गाथा नंबर 93। यस्सा सवा परिक्षीणा आहारे चे अनिश्चितो सुयोतो अनिमित्तो चे विमुखो यस गोचरो आकाशे वे शकुंतानं पदंग तस्से दुरन्यं। यस्सा सवा परिक्षीणा, यस्सा सवा का मतलब है यस्सा आसवना, यस्सा आसवना यानी कि यस आसव, जिसके, ये माने हो गया जिसके, और आसव माने जो पाप कर्म है, जो पाप कर्मों का ढेर है जो इकट्ठे हुए हैं उनको आसव बोलते हैं, यानी कि जो सारी निगेटिव बातें हैं।
तो जिसके आसव यानी जिसके आसव क्या हो गए हैं, परिक्षीणा। परिक्षीणा का मतलब है पूरी तरह से क्षीण, पूरी तरह से क्षीण हो गए। तो यस आसवना पूरी क्षीणा, तो यानी कि पूरी तरह से जो क्षीण हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, परिक्षीणा हो गए हैं। आहारे च अनिश्चितो, आहारे च, आहार का मतलब है भोजन यानी कि जो पिंड है, च माने और अनिश्चितो का मतलब है, निश्चितो का मतलब होता है आश्रित और अनिश्चितो का मतलब होता है अनाश्रित, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। किसके ऊपर? खाने के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी जिसके सारे पाप कर्म कट गए, जिसके सारे राग द्वेष मोह मूर्ता सारी खत्म हो गई, वो व्यक्ति, जिसके सारे आसव कट चुके हैं, वो व्यक्ति खाने के ऊपर आश्रित नहीं है, यानी खाने को देख के लपलपाएगा नहीं, खाने के लिए किसी को कहेगा नहीं, किसी को ये नहीं कहेगा कि आप मुझे भोजन दे देना मैं भूखा रहूंगा, किसी को एडवांस में बुकिंग करके नहीं आएगा, और उसे खाना होगा तो पिंडचारी का कर लेगा और नहीं खाना होगा तो वो शांत घर में बैठेगा। सुयोतो अनिमित्तो चे, सुयोतो का माने जो एकांत में बैठता है, और अनिमित्तो चे का मतलब है तो उसके पास में अब कोई ऐसा कारण नहीं है। कैसा कारण नहीं है? कारण इससे पहले भी जो 92 की जो 92 नंबर की गाथा है उसमें भी अनिमित्तो आया है। ये अनिमित्तो का मतलब है अनिमित्त, अनिमित्त का मतलब है कि कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं। इसको आप कारण और परिणाम का जो चक्र होता है, यानी जिसको धम्म चक्र बोलते हैं, जिसको पटच समुपाद बोलते हैं, कि कोई कारण है फिर उसका एक रिजल्ट आएगा, फिर उस वो रिजल्ट कारण में बनेगा, तो कारणवाद या हेतुवाद, हेतु और कारण एक ही शब्द है। तो यानी कोई हेतु भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं है, यानी कोई बंधन अब उसके अंदर नहीं है, वो मुक्त हो चुका है। सारे उसके जितने हेतु थे, जितने कारण थे, जितने रीजन थे, जितने कॉज थे, वो सारे ही खत्म हो चुके हैं। विमुखो यसंग गोचरो, विमुखो यानी कि निब्बान के लिए, यसंग वह जो गोचरो, जो बुद्ध के पद चिन्हों पर चल रहा है, बुद्ध के मार्ग पर चल रहा है, बुद्ध की गौतम चर्या पे चल रहा है, गौतम की जो चर्या है, जो उसका व्यवहार है गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्त करने के लिए, उस प्रैक्टिस को कर रहा है, उस रास्ते पे चल रहा है। आकाशे वे शकुंतानंग, जैसे आकाश में शकुंतानंग मतलब पक्षी उड़ते रहते हैं, पतंग तस्से दुरन्य, पतंग तस्से दुरंग का मतलब है पद और तस्से माने वह और दुरन्य, यानी कि उनके जो पद हैं, उनके जो रास्ते हैं, उनको ज्ञात करना कठिन है कि वो कहां जा रहे हैं। 92 नंबर की और 93 नंबर की गाथा लगभग एक सी है, शब्द थोड़े बदले हुए हैं, अर्थ दोनों में एक सा है, क्योंकि अरंत वज्ञ है इसलिए इनके अर्थ थोड़े से गहरे हैं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
धम्म से गच्छामि Kamesu mitcha chara virmani sikkha padam smadhyami.